The next unit that is Italy. Learn according to one mark questions, MCQ questions. Unification of Italy. आज के time period में जो Italy है, earlier this Italy was not like that. It was divided into seven states. How many parts? Seven states. One mark question. Before unification, Italy was divided into how many states? It was divided into seven states. इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेट थी दैट वॉज सार्डिनिया पीडमोंट. सार्डिनिया पीडमोंट, ठीक है. और ये जो सार्डिनिया पीडमोंट स्टेट थी, ठीक है, ये मोनार्की सिस्टम था एंड ऑल द अदर स्टेट्स वर आल्सो काइंड ऑफ मोनार्की. अब प्रॉब्लम क्या थी, ये सभी जो स्टेट्स थी ना, ये इटालियन स्पीकिंग एरियाज थे बट दीज वर डिवाइडेड इंटू डिफरेंट डिफरेंट पार्ट. यही मैजिनी ने कहा था कि इटली जो है कुडंट बी द पैचवर्क ऑफ डिफरेंट एरियाज. और मैजिनी ने इटली को यूनिफाइड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. तो फर्स्ट करेक्टर आपने याद रखना है, हु वॉज मैजिनी. मैजिनी वॉज इटालियन रेवोल्यूशनरी. जैसे इंडिया में हम भगत सिंह को याद रखते हैं, ठीक है, ऐसे ही मैजिनी वॉज द इटालियन रेवोल्यूशनरी. He played an important role in the unification of Italy. लेकिन हाँ, वो अलग बात है कि उसने बहुत सी organizations बनाई, Young Europe, Young Bern. But उसने क्या किया, 1831 में जो revolt किया इटली यानी कि सार्डिनिया पीडमोंट में, उसके कारण he was thrown out of the country and given exile because he was against monarchy system. वो monarchy system के against था. So this was the main reason why he was given exile in 1831. ठीक है, इसके बाद इटली में जब भी आप इटली का लॉन्ग क्वेश्चन करते थे तो मैंने आपको कुछ करेक्टर्स करवाए थे वन मार्क के लिए, आपने उनका नेम याद रखना है. सबसे पहले सार्डिनिया पीडमोंट जो किंग थे उस टाइम पीरियड में, इनका नाम क्या था, विक्टर इमैनुअल. विक्टर इमैनुअल, ठीक है. अब इनके विक्टर इमैनुअल जो सार्डिनिया पीडमोंट के किंग थे, इनके सीएम चीफ मिनिस्टर कौन थे, कावूर. और मिलिट्री कमांडर कौन थे, गैरिबाल्डी. इन्होंने मिलकर बाकी जितनी भी स्टेट थी, यानी कि सार्डिनिया पीडमोंट वाज वन ऑफ द सेवन और बाकी जितनी भी स्टेट थी उन स्टेट्स को लिबरेट करवाया. लिबरेट का मतलब होता है इटालियन स्पीकिंग जो एरियाज है. किनसे लिबरेट करवाया, स्पेनिश रूलर्स. सम एरियाज वर अंडर स्पेनिश रूलर्स, सम एरियाज वर अंडर कंट्रोल ऑफ ऑस्ट्रिया. ठीक है, कुछ एरिया जो थे वो चर्च के अंडर, यानी कि सीधा जो पॉप उस टाइम पीरियड में चर्च, देखा जाए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो जितने भी चर्च है ना, इनका मेन सेंटर जो है वाटिकन सिटी है, उनके हेड कौन है, पॉप जॉन पॉल. ठीक है, तो उस टाइम पीरियड में इटली के कुछ एरिया जो थे वो चर्च के अंडर थे. ठीक है, एंड ऑल दीज एरियाज, इन एरियाज में जो भी इटालियन स्पीकिंग एरियाज थे, दीज एरियाज वर एडेड इन सार्डिनिया पीडमोंट एंड इन दिस वे यूनाइटेड इटली वॉज फॉर्म. पहले नाम क्या था, सार्डिनिया पीडमोंट, और इटली नहीं थी, कंट्री एक इटली नहीं थी ना, अलग अलग एरियाज थे. And after that, different different areas were liberated, and these areas were the part of the Sardinia Piedmont. और नई country बनी, उसका नाम क्या रखा गया, United Italy. ठीक है, अब one mark के लिए याद करो, in which year Italy was unified? 1861. In which year Italy was unified? 1861. And who was the king of United Italy in 1861? Victor Emmanuel II. Same king to same hi the, theek hai? Victor Emmanuel II. Victor Emmanuel II. And agar hum characters ki baat kare to apne characters kaun kaun se yaad rakhne hain? Number one, sabse pehle main contribution jata hai Mazzini ka. Then Cavour, inka pura naam kya tha? Count Camillo di Cavour. जो चीफ मिनिस्टर थे, जिन्होंने मिलिट्री कमांडर गैरिबाल्डी के साथ मिलकर जितने भी एरियाज थे
जो अलग अलग एरियाज यानी कि अलग अलग स्पेनिश के अंडर थे, कुछ और्स के अंडर थे, ठीक है, ड्राइव अवे का मतलब क्या होता है, दैट दीज एरियाज वर लिबरेटेड फ्रॉम दीज फॉरेन कंट्रोल एंड वर द पार्ट ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861, ठीक है। तो ये यूनिफिकेशन आपने याद रखनी, वन मार्क के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन को स्ट्रेंज केस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटेन की जो यूनिफिकेशन है वो वॉर से नहीं हुई, इसीलिए इसको यूनिफिकेशन स्ट्रेंज केस कहा जाता है। ब्रिटेन का केस जो है, क्यों इसको स्ट्रेंज केस कहते हैं, क्योंकि इसका इसकी जो यूनिफिकेशन है, ठीक है, वो वॉर बेसिस पे नहीं हुई है। स्ट्रेंज केस, आज के टाइम पर में जिसको हम यूके कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम, पहले ये यूके यूनाइटेड किंगडम नहीं था, इट वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट डिफरेंट एरियाज। कौन कौन से एरियाज, राइट डाउन। नंबर वन, इंग्लिश, इंग्लिश मीन्स ब्रिटिशर्स, इंग्लिश जो इंग्लिश लैंग्वेज बोलते थे ब्रिटिशर्स। देन वेल्स, WELSH, देन स्कॉटिश, स्कॉट, देन आयरिश, आयरलैंड, स्कॉटलैंड के लोग स्कॉटिश, आयरलैंड के जो है वो आयरिश, ठीक है। वेल्स जो थे इनकी परसेंटेज बहुत कम थी, तो इनको इतनी रिकॉग्निशन नहीं मिली, तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली वैसे तो फोर थे, ब्रिटिशर्स, स्कॉटिश, आयरिश एंड वेल्स, लेकिन इनकी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन बहुत कम था, ठीक है। तो मेन हमने बताना है स्कॉटलैंड और आयरलैंड को ब्रिटेन का पार्ट कैसे बनाया गया। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ हाउ स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड वर कंट्रोल्ड। तो आज के टाइम पीरियड में तो बेस्ट एग्जांपल है आपके सामने कि तालिबान ग्रुप ने कैसे अफगानिस्तान को कैप्चर किया, ठीक है। तो जस्ट आप ये देखो कि आजकल मैसेजेस क्या आ रहे हैं कि अफगानिस्तान 9 डेज में सरेंडर कर दिया। तो वी वर द पीपल ऑफ इंडिया हु स्ट्रगल्ड अ लॉट ड्यूरिंग मुगल डायनेस्टी फॉर 400 ईयर्स, ठीक है। सो ब्रिटेन कैप्चर स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, कैसे किया, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ वॉर बट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रीटी और एक्ट। एक्ट साइन किया गया, जैसे सपोज अगर तालिबान अफगानिस्तान के साथ एक्ट साइन कर ले और अफगानिस्तान को तालिबान का पार्ट बना ले, है ना। तो मैं इसलिए आपको लाइव एग्जांपल बना रही हूँ कि ये तो आपके सामने डायरेक्ट जो है वो आज के टाइम पीरियड का करंट अफेयर है, आपको पता होना चाहिए पॉलिटिक्स के बारे में। कि नो डाउट वी आर वेरी लकी कि वी आर लिविंग इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, बट स्टिल इन द वर्ल्ड सम कंट्रीज आर दोज विच आर हैविंग नॉन डेमोक्रेटिक रूल। और इवन काइंड ऑफ आपने सिविक्स में कितनी ही ऐसी स्टोरीज है जिसमें पढ़ा, मिलिट्री डिक्टेटरशिप पढ़ी है, कि कैसे कंट्री को कैप्चर किया जा सकता है। तो ये तो आपके सामने बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। देन नेक्स्ट आपने सबसे पहले बताना है दैट फोर मेन नेशन वर दे, अलग अलग नेशन थे ये, ब्रिटिशर्स अलग थे, इनकी लैंग्वेज अलग थी, स्कॉटिश की अलग थी, इनकी स्कॉटिश की जो लैंग्वेज थी इनकी लैंग्वेज थी गेलिक। देन स्कॉटिश वर द पार्ट ऑफ इंग्लैंड, जब इनको इंग्लैंड का पार्ट बनाया गया ना, तो देवर फॉरबिडन टू स्पीक गेलिक लैंग्वेज, उनको अपनी लैंग्वेज नहीं बोलने देते। जैसे हमारी कंट्री में जिस टाइम पीरियड में हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स हमें कॉलोनाइज किया गया, एट दैट टाइम हमारी हिंदी और हमारी बहुत सी मदर टंग संस्कृत लैंग्वेज को डिस्करेज किया था, ठीक है। तो ऐसा ही स्कॉटलैंड के लोगों के साथ भी हुआ था, ठीक है। सो वन मार्क क्वेश्चन अकॉर्डिंग लिखोगे। नंबर वन, इन विच ईयर पार्लियामेंट सीज कंट्रोल, कौन से ईयर में पार्लियामेंट में कंट्रोल हुआ। अर्लियर मोनार्की सिस्टम वॉज देयर, 1688 से पहले मोनार्की सिस्टम था, फुल कंट्रोल था मोनार्की का। 1688 में पार्लियामेंट बनाई गई और उस पार्लियामेंट में नंबर ऑफ मेजोरिटी किनकी थी, इंग्लिश, ब्रिटिशर्स की थी। और पार्लियामेंट में जिसकी मेजोरिटी होती है तो अल्टीमेटली लॉ मेकिंग अथॉरिटी उनके पास होती है। अगेन आई एम रिपीटिंग, 1688, इससे पहले कंट्री में मोनार्की सिस्टम था, 1688 में पार्लियामेंट बनाई गई और उस पार्लियामेंट में नंबर ऑफ ब्रिटिशर्स यानी कि इंग्लिश मैन जो थे, दैट वॉज लार्ज एज कम्पेयर टू अदर, एंड दैट्स वाई हम ये कह सकते देवर वेरी इंटेलिजेंट, देवर पावरफुल, देवर रिच आल्सो। तो उनका पार्लियामेंट पे होल्ड था, और पार्लियामेंट में जब होता है ना तो कोई भी लॉ इजिली बनाया जा सकता है। सपोज जैसे हमारी कंट्री है बीजेपी मेजोरिटी है, तो एट प्रेजेंट कोई भी अगर लॉ बनता है तो इजिली पास हो जाता है, लॉ बनने में या लॉ के रिगार्डिंग डिस्प्यूट नहीं होते।
तो 1688 में जब ब्रिटिशर्स ने पार्लियामेंट में दे सीज द सीज का पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ इंग्लिश वाज मोर इन द पार्लियामेंट, देन दे फॉर्मुलेटेड मैनी लॉज, उन्होंने बहुत से लॉज बनाए कि आसपास के नेबरिंग कंट्रीज जो हैं उन कंट्रीज को कैसे कैप्चर किया जाए। उनके सामने दो ऑप्शन थे, या तो उन पे अटैक किया जाए या इजीली इन कंट्रीज को अपनी कंट्री का पार्ट बना लिया जाए। ठीक है, जैसे आपको याद होगा हमने जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था, मैनी प्रिंसली स्टेट्स वर देयर। ठीक है, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली मोर देन 400 प्रिंसली स्टेट्स वर देयर। अब इंडिया के सामने क्या ऑप्शन था, या तो इन प्रिंसली स्टेट्स पे अटैक करें, ठीक है, या ये प्रिंसली स्टेट्स खुद ही इंडिया का पार्ट बन जाए, जैसे जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे, हरि सिंह, ठीक है, और उन्होंने इजिली अपने आप को इंडिया का पार्ट बनाया, लेकिन कंडीशन क्या रखी कि हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, सेपरेट होगा, और आर्टिकल कौन सा बना था, 370। वो अलग बात है कि अब आर्टिकल 370 क्या कर दिया गया है, अबॉलिश कर दिया। तो इस आंसर के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम याद रखें, एक्ट एक्ट का मतलब क्या होता है, ब्रिटिशर्स ने दो कंडीशंस रखी, या तो वॉर के बेसिस के ऊपर, या स्कॉटलैंड और आयरलैंड जो है वो खुद ही अपने आप को सरेंडर कर दें या अपने आप को हमारी कंट्री का पार्ट बना। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, और ये जरूरी नहीं कि स्कॉटलैंड और आयरलैंड इमिडिएटली मान गए, बहुत टाइम लगा। तो ईयर याद रखो कौन कौन से ईयर्स में इनको इनकॉर्पोरेट किया, ठीक है, नंबर वन सबसे पहले 1707, इन 1707 एक्ट ऑफ यूनियन वॉज साइंड, ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट था, 1707 एक्ट ऑफ यूनियन वॉज साइंड बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, जिसमें स्कॉटलैंड जो है उसने अपने आप को इंग्लैंड का पार्ट बना लिया वॉर से बचने के लिए, क्योंकि अगर वॉर होती है तो क्या होता है, दोनों ही कंट्री का लॉस होगा ना, इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, एंड इन दिस वे यूके ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वॉज फॉर्म, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वॉज फॉर्म, यानी कि अब ना इंग्लैंड ना स्कॉटलैंड, दोनों का एक कंबाइंड नेम दे दिया गया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट था आयरलैंड। आयरलैंड एक ऐसी कंट्री थी जिस कंट्री में मेन कैथोलिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सप्लॉटेशन की गई, आयरलैंड, नेक्स्ट आयरलैंड। अब कैथोलिक्स कौन होते हैं बेटा, जैसे हिंदू रिलीजन में भी अलग अलग, जैसे हम कह लें कि समुदाय होते हैं, मुस्लिम्स में भी हैं, कुछ शिया हैं, कुछ सुन्नी हैं, जिनके अपने अपने थीम्स हैं, अपने अपने काइंड ऑफ वर्शिप जो है वो पॉलिसीज होते हैं। ऐसे ही जो क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियंस में भी अलग अलग है, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। कैथोलिक्स वो लोग जो ओल्ड ट्रेडिशंस मोनार्की सिस्टम में विश्वास करते थे, प्रोटेस्टेंट वो जो आगे से आगे चर्च यानी कि उसमें कुछ रिलैक्सेशंस या फ्रीडम चाहते थे। तो इसी तरह से वर्ल्ड में अलग अलग क्रिश्चियन, जहां पे भी क्रिश्चियन कंट्रीज हैं उन कंट्रीज में आपने एग्जाम्पल पढ़ा होगा, या तो कैथोलिक्स या होते थे प्रोटेस्टेंट्स। प्रोटेस्टेंट जो रिलीजन है इनकी शुरुआत किसने की थी, मार्टिन लूथर किंग, प्रोटेस्टेंट। तो आयरलैंड एक ऐसी कंट्री थी जिस कंट्री में क्रिश्चियन दो पार्ट में डिवाइडेड थे, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। लेकिन सबसे ज्यादा ट्रबल, ट्रबल मतलब सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन जो है वो किनको फील करना पड़ा, कैथोलिक्स को। राइट डाउन, कैथोलिक्स वर एक्सप्लॉयटेड बाय द इंग्लिशमैन, कैथोलिक्स वर एक्सप्लॉयटेड बाय द इंग्लिशमैन, एंड प्रोटेस्टेंट्स वर सपोर्टेड, प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट किया उन्होंने, एंड प्रोटेस्टेंट्स वर सपोर्टेड बाय ब्रिटिशर्स, और उन प्रोटेस्टेंट्स की हेल्प से ही आयरलैंड को यूके का पार्ट बनाया गया इन 1801। कितना टाइम लगा आयरलैंड को यूके का पार्ट बनने में, इन 1801 यूके इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या होता है कि कंट्री का पार्ट बना लेना, इनकॉर्पोरेटेड आयरलैंड, साइनिंग अ एक्ट, एक एक्ट साइन किया गया। अब ये तीनों अलग अलग एरियाज को एक कंबाइंड कंट्री बना लिया गया, दैट वाज यूनाइटेड किंगडम, और इस यूनाइटेड किंगडम का नया फ्लैग जो था वो कौन सा था, ब्रिटिश जैक, JACK, न्यू फ्लैग वाज अडॉप्टेड फॉर दिस न्यू यूनाइटेड किंगडम, यूनियन जैक, JACK, यूनियन जैक। देन नेक्स्ट, नेशनल एंथम,
तीनों एरियाज जो है जब कंबाइन कर लिए गए तो इनका कंबाइन नेशनल एंथम जो है, जैसे हमारी कंट्री का जनगण मन, इनका नेशनल एंथम क्या डिसाइड किया गया, गॉड सेव आर नोबल किंग। ये वर्डिंग है उनके नेशनल एंथम की, फर्स्ट वर्डिंग, गॉड सेव आर नोबल किंग, गॉड सेव आर नोबल किंग। देन लैंग्वेज, अब कहने को तो फ्रीडम मिलनी चाहिए थी ना, तीनों अलग अलग एरियाज थे तो उनकी लैंग्वेज अलग होनी चाहिए थी, बट विच लैंग्वेज वॉज इम्पोज ऑन देम, इंग्लिश। इंग्लिश बिकेम द कॉमन लैंग्वेज एंड कंपल्सरी लैंग्वेज फॉर ऑल, इंग्लिश वॉज चूजन एज कॉमन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। यूनाइटेड किंगडम की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश, एंड ऑफिशियल रिलीजन क्रिश्चियनिटी, ऑफिशियल रिलीजन क्रिश्चियनिटी। टिल नाउ द रूल ऑफ क्वीन इज देयर बकिंगम पैलेस, ठीक है, अभी भी क्वीन है, अभी रिसेंटली उनके हस्बैंड की प्रिंस जो थे उनके डेथ हुई थी, आगे क्वीन है, क्वीन के आगे जो है फैमिली है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इंग्लैंड में अभी भी लोग अपनी क्वीन की पूरी रिस्पेक्ट करते हैं। नो डाउट प्राइम मिनिस्टर भी है, इलेक्शन भी है, डेमोक्रेटिक भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी है, बट डेमोक्रेसी भी है। अब ये देखो इंग्लैंड एक ऐसी कंट्री है जहां पे साइड बाय साइड आज भी आप मोनार्की का कल्चर देख सकते हो एक तरफ, लेकिन वो अलग बात है कि क्वीन ने अपने आप को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बिल्कुल बंद कर दी, ठीक है, कुछ ड्यूटीज हैं जो उनको परफॉर्म करनी पड़ती है, या कुछ उनको पावर दी गई है जिनके ऊपर वो अपने डिसीजन दे सकती हैं, ठीक है। और आपने रिसेंटली एक और भी न्यूज सुनी होगी कि आगे जो प्रिंसेस डायना थी उनके आगे दो बेटे थे और एक ने क्या कर दिया, अपनी रॉयलशिप को खत्म कर दिया, यानी कि वो अपनी ब्रिटिश रॉयल्टी से कुछ भी नहीं आगे जो है वो लेना चाहते, वो इंडिपेंडेंट, यानी कि अपना लाइफ स्टाइल जो है वो मोनार्की से बिल्कुल इंडिपेंडेंट जो है वो लेना चाहते, यानी कि उन्होंने जो भी प्रिविलेजेस उनको बीइंग द पार्ट ऑफ मोनार्की दिए जाते थे उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। तो आज भी एक ऐसी कंट्री है जहां पे आप काइंड ऑफ मोनार्की की एग्जांपल जो है वो देख सकते हो। तो इंग्लैंड आप ये देखो कि उस टाइम पीरियड में आयरलैंड और स्कॉटलैंड के लोगों ने बिना किसी वॉर के अपने आप को यूके का पार्ट बनाया, तो दैट इज अ स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। आज भी इस कंट्री में मोनार्की को कहीं ना कहीं जो है वो प्रिजर्व करके रखा गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी कह सकते हो। नो डाउट इलेक्शंस भी होते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी है वहां पे, ठीक है, पार्लियामेंट भी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमारी कंट्री की तरह ही होते हैं वहां पे भी, लेकिन उनकी कंट्री में हम ये कह सकते हैं कि अभी भी क्वीन को बहुत सी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं जो कि पार्ट ऑफ रिस्पेक्ट देते हैं लोग अभी भी, ठीक है। क्वीन की बर्थडे सेलिब्रेशन बहुत लार्ज स्केल पे की जाती है, ग्रैंड स्केल पे की जाती है। देन इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज एलिगरीज। एलिगरीज जैसे हम अपनी कंट्री की इमेज भारत माता जिसे कहा जाता है, ऐसे ही दो मेन कंट्रीज की एलिगरीज पढ़नी है आपने, फ्रांस एंड जर्मनी। फ्रांस की जो इमेज है इसको कहा जाता है मैरियन, फ्रांस के नेशन की जो इमेज है इसको विमेन फिगर में कहा जाता है मैरियन। एलिगरी क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, विमेन फिगर, जैसे आपने स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जैसे आपने फ्रेडरिक फॉरियो की जो पिक्चर है उसमें मैंने कहा था कि इसको पर्सोनिफाइड किया गया है, ऐसे ही मैरियन जो है दैट इज द एलिगरी ऑफ फ्रांस। आज भी फ्रांस के क्वाइंस स्टैम्प्स के ऊपर मैरियन की फोटो है, तो ये शो करती है वो कोई क्वीन नहीं है, दैट इज अ नेशन, दैट इज अ नेशन ऑफ फ्रांस, जिसको विमेन पर्सोनिफिकेशन जो है वो मिली है। नेक्स्ट इज जर्मेनिया, जर्मेनिया इज द एलिगरी ऑफ जर्मन नेशन, जर्मेनिया। इसके कुछ सिंबल्स हैं, ये आपको वन मार्क में आ सकते हैं सिंबल्स। नंबर वन, एक पिक्चर है जिसमें जर्मेनिया को जो है वो दिखाया गया है एंड ब्रोकन चेन। ब्रोकन चेन का मतलब क्या है कि उसको एक स्लिपिंग पोस्टर में दिखाया गया है साथ में ब्रोकन चेन। ब्रोकन चेन का मतलब क्या है कि जर्मनी को अभी अभी फ्रीडम मिली मोनार्की सिस्टम से, तो दैट इज ब्रोकन चेन मींस बीइंग फ्री, बीइंग फ्री। ब्रोकन चेन का मतलब है कि जर्मनी को अभी अभी फ्रीडम मिली है मोनार्की सिस्टम से। जिस टाइम पीरियड में जर्मनी को फ्रीडम, जर्मनी यूनिफाइड हुआ होगा, इट मींस मोनार्की सिस्टम जिस टाइम पीरियड में अलग हुआ होगा, उस टाइम में ऐसी पर्सोनिफिकेशन जो है वो न्यूज़पेपर में या पोस्टर्स में बनाई गई होगी ताकि लोगों को ये दिखाने के लिए कि हमारी कंट्री जो है वो कितनी अभी भी पूरी तरह से जो है वो डिवेलप नहीं है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। देन नेक्स्ट इज ईगल।
जर्मेनिया जो है, जर्मेनिया के जो उसका फ्रंट पे प्लेट है जिसे हम कहते हैं ना स्वॉर्ड से हमें प्रोटेक्ट करता है, उसके ऊपर ईगल, ईगल क्या शो करती है? स्ट्रेंथ, ये उनका सिंबल है ईगल। ईगल जो है वो बर्ड्स में बहुत पावरफुल होता है तो स्ट्रेंथ शो करता है। और जर्मेनिया क्राउन ऑफ ऑक लीव्स, जर्मेनिया की एक फोटो में उसने आपने देखा होगा कि वियरिंग क्राउन ऑफ ऑक लीव्स, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? हीरोइज्म, क्राउन ऑफ ऑक लीव्स हीरोइज्म, यानी कि जर्मनी वर्ल्ड में सबसे नंबर वन है लड़ने के लिए भी, एंड उसके हाथ में स्वॉर्ड है, उस स्वॉर्ड पे भी ऑलिव ब्रांचेस शो की गई हैं, लड़ने के लिए भी तैयार है और पीस के लिए भी तैयार है। तो नेक्स्ट इज ऑलिव ऑन स्वॉर्ड, ऑलिव ब्रांचेस ऑन स्वॉर्ड्स क्या शो करता है? रेडी टू पीस, रेडी टू पीस, क्राउन शो करता है लड़ने के लिए एंड ऑलिव ब्रांचेस स्वॉर्ड्स के आसपास शो करता है विलिंग टू पीस या रेडी टू पीस। देन जर्मनी के थ्री कलर्स, जर्मेनिया ने ये थ्री कलर्स जो है उनको गाउन जो है उनका काइंड ऑफ वेल पहना हुआ है, ब्लैक रेड एंड गोल्ड, ब्लैक रेड एंड गोल्ड, दीज आर द थ्री कलर्स ऑफ जर्मन नेशन। देन जर्मेनिया के पीछे दिखाया गया है रेज ऑफ राइजिंग सन, रेज ऑफ राइजिंग सन, एक पिक्चर बहुत कॉमन हुई थी जिसमें जर्मेनिया के हाथ में स्वॉर्ड है, रिवर है राइन रिवर, और पीछे दिखाई गई है रेज ऑफ सन जो ये शो करता है न्यू एरा, यानी कि न्यू एरा को प्रोटेक्ट कर रही है जर्मेनिया, यानी कि जर्मन नेशन को प्रोटेक्ट करना हर सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रेज ऑफ राइजिंग सन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा, न्यू टाइम। तो दैट वाज ऑल अबाउट दीज एलिगरीज, इनके सिंबल्स वन मार्क के अकॉर्डिंग, आपको इन सबकी पर्सोनिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक, बाल्कन टेंशन, बाल्कन टेंशन। लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूरा क्वेश्चन हमने किया था जिसमें हमने बताया था कि बाल्कन एरियाज कौन से थे, प्रॉब्लम क्या थी, कैसे ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सेंटर बने। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए नंबर वन, बाल्कन एरियाज कौन से हैं? सबसे पहले तो टेंशन क्यों कहा जाता है इसको, कौन से कॉन्टिनेंट में है? यूरोप। और अल्टीमेटली ये टेंशन जो है वो कब स्टार्ट हुई? आफ्टर 1871, आफ्टर 1871 जब कंट्रीज यूनिफाइड होती गई। 1871 में कौन सी कंट्री यूनिफाइड हुई थी? जर्मनी। वन बाय वन जब कंट्रीज यूनिफाइड होती गई, दीज कंट्रीज बिकेम पावरफुल। जब कंट्रीज पावरफुल हो जाती है ना, तो हर कंट्री का मेन मोटिव क्या होता है? अपनी नेबरिंग कंट्रीज को अटैक करके उनको अपनी कंट्री का क्या बनाना? पार्ट बनाना। ठीक है, तो यूरोप में उस टाइम में बहुत सी ऐसे एरियाज थे, छोटे छोटे एरियाज थे, जो एरियाज किनके अंडर थे? जर्मनी से अलग थे, इटली से अलग थे। ये एरियाज जो थे वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर थे, ऑटोमन एम्पायर। इसमें से एक एग्जाम्पल मैंने बताया था ग्रीस, जैसे ग्रीस वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। मुस्लिम थे ये, बेसिकली टर्क्स, टर्की। और ग्रीस जो थे वो कौन थे? क्रिश्चियंस। ठीक है, देन इसके अलावा मैनी एरियाज, ग्रीस के अलावा बहुत से छोटे छोटे एरियाज थे, इनको बाल्कन एरियाज कहा जाता था। आप इनमें से कोई भी टू थ्री नेम्स जो है वो लिख लो, रोमानिया, रोमानिया, बल्गेरिया, बोस्निया, क्रोएशिया, दो तीन नाम लिख लो, वैसे तो वैसे बहुत दिए हुए हैं, बोस्निया, रोमानिया, बल्गेरिया, क्रोएशिया, ये अलग अलग सेपरेट सेपरेट एरियाज थे एंड दीज एरियाज वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आई? ग्रीस जो थे वो क्रिश्चियन थे एंड दीज वर कंट्रोल्ड बाय मुस्लिम डायनेस्टी। तो वन बाय वन मेनी कंट्रीज गॉट इंडिपेंडेंस, लाइक ग्रीस गॉट इंडिपेंडेंस इन विच ईयर? 1832। बाय विच ट्रिटी? ट्रिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल। जैसे ग्रीस ऑटोमन एम्पायर से अलग हो गया, ऐसे ही ये सारी कंट्रीज वन बाय वन, बोस्निया, हर्जी गोबीना, क्रोएशिया,
बल्गारिया, दे बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर। आपको ये लगेगा कि ये सिर्फ एक लाइन में है, लेकिन सेम ऐसा ही है। जब मैं ये कहूँ कि इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मैक्सिको, दे गेन फ्रीडम फ्रॉम यूरोपियन कॉलोनीज, तो टाइम पीरियड अलग अलग है, ठीक है। ऐसे ही ऑल दीज कंट्रीज दे गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर वन बाय वन, और ये इंडिपेंडेंट कंट्री हो गई। अब इनमें से मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। जब ग्रीस, व्हेन ग्रीक, ग्रीस मींस जो पीपल ऑफ ग्रीक थे, दे बिकेम इंडिपेंडेंट एट दैट टाइम, मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड लाइक जर्मनी, दे वॉन्टेड टू ग्रैब, वो ग्रीस को अपना पार्ट बनाना चाहती, लाइक जर्मनी, ठीक है, और भी बहुत सी कंट्रीज थी, ब्रिटेन, फ्रांस। प्रॉब्लम क्या थी, अब ऑटोमन एम्पायर के अंडर जितनी भी कंट्रीज थी अब वो इंडिपेंडेंट हो चुकी, इनको क्या कहते थे, स्लेविक्स, स्लेव भी कहते थे और स्लेविक्स भी कहते थे। हु वर कॉल्ड स्लेव्स, हु वर कॉल्ड स्लेव्स, द कंट्रीज विच वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर, जो बाल्कन एरियाज का पार्ट थे उनको क्या कहते थे, स्लेविक कम्युनिटीज। जब ये ऑटोमन एम्पायर से अलग हो गए, तब जब तक तो हम कहते हैं ना कि जब तक तो हाथ इकट्ठा होता है तब तक आप में क्या है, यूनिटी, लेकिन जब सेपरेट हो जाते हैं तो क्या होता है, फिर पावर जो है वो कम हो जाती है, और इनके ऊपर बाकी कंट्रीज जो थी वो इनको ग्रैब करना चाहती थी। कौन कौन सी कंट्रीज, विच कंट्रीज वॉन्टेड टू ग्रैब दीज बाल्कन एरियाज, राइट डाउन। नंबर वन, रशिया, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, और इनमें से कुछ कंट्रीज सेंट्रल हैं और कुछ कंट्रीज क्या हैं, अलाइड है, ठीक है। ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एक तरफ और जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की एक तरफ। तो यही रीजन था कि बाल्कन एरियाज जो थे, बाल्कन एरियाज के कारण भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, मेनी कंट्रीज दे वॉन्टेड टू ग्रैब दीज बाल्कन एरियाज, तो ये इसीलिए हम इसे कहते हैं बाल्कन टेंशन, ठीक है।